कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं पूनम फिर से एक ब्यूटी टिप्स के साथ फिर से मैं एक ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ, और वो ब्यूटी टिप्स है एलोवेरा जेल। एलोवेरा, इससे फेशियल करना है तो मैं आज इससे फेशियल करके बताऊँगी। ये हमारे किचन में गार्डन में से ही मिल गया है, और इसके चार स्टेप होंगे। तो ये चार स्टेप होंगे तो मैंने इसके चार टुकड़े बना लिए हैं। एक ये 1x1 स्टेप होंगे, ये चार बना लिए हैं। तो एक से क्लिंजिंग, एक से स्क्रब, एक पैक के लिए और एक हमारी मसाज के लिए। तो ये मसाज के लिए जो होगा, इसका पल्प निकाल करके मैंने ये आइस क्यूब बना लिया है। ये पिघल गया थोड़ा सा, तो इसमें मैंने कच्चा दूध डाल करके इसका आइस क्यूब बना लिया है। तो बाकी मैं आपको बताऊँगी, ये मुझे बाद में लगाना है। और तो मैं ये स्टेप शुरू कर रही हूँ एलोवेरा जेल से। एलोवेरा से होगा ये सारा, तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। तो इससे मैं क्लींजिंग भी करके बताऊंगी। तो ये है क्लींजिंग के लिए, तो मैं इसका ये कांटे वाला पार्ट हटा देती हूँ इस तरह से। ये मेरे गमले में काई है, ये सबसे बेस्ट होता है, मार्केट के से भी अच्छा होता है। मार्केट का तो बना हुआ होता है, ये हमें बनाना पड़ता है, लेकिन नेचुरल और असली वाला तो यही है। तो इसको मैं क्लीनिंग के लिए बनाऊंगी, तो इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी, इस तरह से चारों तरफ से कट कर लूँगी इसको मैं इस तरह से। तो ये है कच्चा दूध, तो एक चम्मच में कच्चा दूध लूँगी क्लींजिंग के लिए, एक चम्मच भर के। और ये है मेरा एलोवेरा जेल, तो ये देखो कितने अच्छी तरह से कट कर लिया है मैंने। देखो अच्छी तरह से इसका ये पल्प निकल रहा है। तो इसको मैं इस तरह से इसमें दूध में इस तरह से इसको ऐसे रब कर लूँगी, और इसको मैं क्लीन करूँगी चेहरे को ऐसे। तो मैं इससे चेहरा क्लीन कर रही हूँ ये एलोवेरा से। ऐसे कच्चा दूध है, इसमें मिला करके मैं सारे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लूँगी, और इसको अच्छी तरह से ऐसे मसाज कर लूँगी इसको। ये कच्चे दूध से है, इसको मैंने कट कर लिया था, तो ये अच्छी तरह से मसाज हो जाएगी। ये मेरा पहला स्टेप है, और इसे 5 मिनट तक मैंने ये इसको क्लीन किया है। तो ये देखो साफ़ हो गया है, मैं चेहरा वॉश करके आ गई हूँ। देखो ये मेरा चेहरा क्लीन हो गया है, ये क्लींजिंग का भी काम करता है। ये मेरा दूसरा स्टेप है, ये स्क्रब बनेगा इससे। तो इसके मैं ये कांटे हटा देती हूँ। इसके चार स्टेप होंगे, क्लींजिंग, स्क्रब और ये पैक, एक होगा लास्ट में मसाज। तो ये स्क्रब करूँगी इससे। तो देखो इसको कट कर लेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ से अच्छी तरह से इसमें चाकू लगा देंगे। ये है चावल का आटा, ये थोड़ा सा दूध, चावल का आटा और ये थोड़ा सा नींबू, इसमें नींबू लगा दूँगी थोड़ा सा, एक दो बूंद इसमें और एक दो बूंद इसके ऊपर। ये अच्छी तरह से इसमें मिला करके और चेहरे का स्क्रब कर लेंगे। ये चावल का आटा है और ये एलोवेरा जेल है, तो इसका स्क्रब बहुत अच्छा होगा, काफ़ी इसका निखार आएगा इससे। तो मैं इसका स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब किए हुए मुझे हफ्ता हो गया है, तो उसके बाद मैंने चावल के आटे से स्क्रब कर रही हूँ। इन नेचुरल चीज़ों से स्क्रब करो, कुछ भी करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल के आटा से हम कमी स्क्रब करते हैं, हफ्ते में 2 बार ही करते हैं। तो देखो ये एलोवेरा जेल से है सारा ये फेशियल, तो ये एलोवेरा जेल से ही हम करेंगे। तो इसमें मिला लिया है मैंने ये, और अच्छी तरह से मैं इसको स्क्रब कर लूँगी। ये हो गया है, मैं इसको वॉश करके आ गई हूँ। देखो टॉवल से मैंने चेहरा पूछ लिया है, और देखो स्क्रब के बाद भी हमारी जो गंदगी चेहरे की सारी निकल गई है। ये मेरा तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है इसका पैक बनेगा। तो इसके भी मैं ये कांटे निकाल देती हूँ, और इसका मुझे पल्प निकालना होगा। ये सारा पल्प मैं निकाल देती हूँ। तो देखो इसका सारा पल्प निकल रहा है, अच्छे से निकाल लूँगी इसका बिल्कुल अच्छे से। तो सारा निकाल करके मैं इसमें ये चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें ये आधी चम्मच बेसन है, इस ये पैक के लिए है। तो पैक के लिए तो हमें ये चीज़ें डालनी होंगी, बेसन डाल दो, मुल्तानी मिट्टी डाल लो, और ये थोड़ा सा गुलाब जल डाल रही हूँ, है ना। चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं, तो कोई सा भी लें जिस जो आपके पास हो। थोड़ा सा मैं नींबू डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा है, ये आधी चम्मच से भी कम है। ये थोड़ा सा हनी डालूँगी,
हनी डालें, आपके पास हनी है हनी डालें, चीनी है उसको पीस करके डालें थोड़ी सी, तो आपके पास जो जो भी हो वो डाल लें अच्छी तरह से। और थोड़ा सा उसमें मैं चावल का आटा डालूंगी, क्योंकि इसकी अब ये स्क्रब तो करना नहीं है इसका ना, इसका तो इसे सिर्फ लगाना है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है इससे भी, सारी चीज़ से मिला करके। तो ये पैक बन करके हो गया तैयार, और देखो मैं इसको लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा बना है। और देखो ये लगा रही हूँ मैं, ये सारे चेहरे पर लगा लूँगी अच्छी तरह से। देखो काफ़ी ग्लो आ रहा है ना, ये आप ही के सामने है सब कुछ, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, जैसा दिखता है उससे भी अच्छा होता है, लेकिन आपको कम दिखता है यकीन मानिएगा। ये मैं 10 मिनट लगा करके छोड़ दूँगी, और मैं अपना ये अपना काम कर रहा है, और मैं 10 मिनट में अपना और कोई काम कर लेती हूँ। और ये 10 मिनट हो गए हैं, तो 2 मिनट इसकी मैं हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से ये मसाज करूँगी। होठों पे भी किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी स्क्रब इसको मसल लगाने से ये हमारे होठ भी काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल हल्के हाथों से कर रही हूँ, 10 मिनट हो गए। देखो आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है ना, ये काफ़ी दूर लाइट से तब इतना ग्लो आ रहा है। देखो कितना अच्छा साफ़ हो गया है चेहरा बिल्कुल एकदम से, आप देख सकते हैं। यकीन मानिएगा ये चीज़ें काफ़ी हमारे चेहरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये मैंने आइस क्यूब बनाया था, तो मैंने ये फ्रिज में रखा था, तो मैंने आपको पहले दिखाया, तो ये दिखाते के साथ ही थोड़ी देर में ये पिघलने लगा, तो ये थोड़ा ये ऐसा फिसलने लगा है, ये जम गया था लेकिन ये थोड़ा फिसलने, कोई दिक्कत नहीं, इससे ही हमें अपने चेहरे की मसाज करनी है। सिर्फ 2 मिनट लगाने के बाद, और लगाने के बाद मसाज करने के बाद इसे सुखा लें पंखा में की हवा में, अच्छी तरह से सूखने दें, उसके बाद अपना चेहरा साफ़ कर लें। तो ये एकदम ठंडा है, ये चौथा स्टेप था, और एकदम ठंडा है, ये फ्रिज में से निकला हुआ है। ये 2 मिनट इसकी मसाज करी है, और इसे पंखे में सूखने देंगे। तो देखो ये हो गया है इसको 2 मिनट, और इसको हल्के हाथों से इसकी भी मसाज कर लेंगे, क्योंकि फेशियल का मतलब ही है पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज, स्क्रब सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ताकि हमारे चेहरे की सारी गंदगी निकल जाए और अच्छा सा एक लुक आए। तो देखो कोई भी दाग धब्बे नहीं है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो मेरा ये चौथा स्टेप मैंने लगाया था, जिससे मैंने मसाज करी थी सिर्फ 2 मिनट, जो आइस क्यूब था, एलोवेरा जेल मिला करके, दूध मिला करके जो बनाया था, उससे मेरा ये चौथा स्टेप है, आपके सामने है। मैंने बिल्कुल अभी चेहरा धोया है, और धो करके साफ कर लिया है, इससे पूछ लिया है टॉवल से, और मैं आपके सामने आज ये मेकअप करके दिखाऊंगी, इसी के ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगी। तो सिर्फ देखना ये दो बूंद ये गुलाब जल होगा, आप गुलाब जल लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं, जो आपको चेहरे को सूट करता है वो लगाएं। ये मैं गुलाब जल लगा रही हूँ बिल्कुल हल्का हल्का, ये आपके सामने लगा करके दिखाऊंगी। तो देखो मैंने ये गुलाब जल लगा लिया है, और ये एकदम अच्छा लग रहा है चेहरा, काफ़ी ग्लो आया है चेहरे पर। ऐसा नहीं है, हमारे घर की लाइटें दूर हैं तो इसलिए कम ये नज़र आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है। ये नेचुरल चीज़ें होती है ना, तो इनका निखार एकदम से तो नहीं दिखता, लेकिन बाद में दिखता है, और कुछ असर भी अच्छा ही होता है, लेकिन कोई इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता इससे। देखो आपके ही सामने ये बिंदी, ये गुलाब जल है, इसके बाद और कुछ नहीं है। और ये थोड़ा हल्का हल्का ये मेकअप आपको इसी के सामने करके दिखाऊंगी, देखना। ये बिल्कुल थोड़ा सा सिंदूर, और ये हल्की सी लिपस्टिक, सब कुछ आपके सामने है। और मैंने ये हल्का हल्का मेकअप बिल्कुल आपके सामने किया है, कोई कट छट नहीं की वीडियो में, ये मेकअप करते समय ये देखो बिल्कुल आपके सामने है। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी बिंदी, और ये लिपस्टिक थोड़ी मेरी गहरी है, लेकिन मैंने आपको लुक दिखाने के लिए लगाई है। कुछ भी नहीं लगाया, कोई क्रीम नहीं, कोई सीरम नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जो है आपके सामने है। तो आप ये एक बार लगा करके बना करके ये एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा से फेशियल करना, और बताना कि ये कितना इफ़ेक्टिव है हमारे चेहरे के लिए।
ये काफ़ी हमारी स्किन को संवारता है, ये बिल्कुल असली है और इससे हमारी ये बिल्कुल साफ कर देता अच्छी तरह से, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये हमने बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ताज़ा बना करके, ताज़ा निकाल करके ये लगाया है, तो आप भी ज़रा ट्राई करना। कोई भी दाग धब्बा नहीं, कोई भी रिंकल पिंपल, ये काले घेरे, कुछ भी आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम है, सबको ये साफ कर देता है। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि कम से कम बजट की चीज़ों से हम अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं, पार्लर से बच सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसे देने से बच सकते हैं। हमारे किचन में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये भी हमारे एक उसमें गमले में था प्लांट, उसमें से निकाला हुआ है, तो देखो आपके सामने है। और कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे एक बार ज़रूर बताना, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, और उसके पास जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक किया करो, क्योंकि आप मेरी जो कोई भी वीडियो होगी वो आपके पास जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। और अच्छी लगे तो लाइक करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है और मैं अभी न्यू हूँ वीडियो बनाने में, तो मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, कम ही देख पा रहे हैं लोग। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया, क्योंकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले कि मैं आगे के लिए काम और करूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली एक रेसिपी के साथ, अगली एक वीडियो टिप्स के साथ।